दोस्तों मेरे पास आज एक डेस्टिनी 125 BS6 का स्कूटी आया है। तो दोस्तों इसका बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो गया है। तो इसका कस्टमर ने 2-3 शोरूम और गैराज में भी गया, लेकिन वो लोग इसको ठीक करने का बहुत कोशिश किया लेकिन ठीक नहीं हो पाया। तो मेरा ये कस्टमर ने इस अंकल को एक मेरा नंबर दिया मेरे से संपर्क करने के लिए। तो दोस्तों ये गाड़ी आज मेरे पास आया है, तो अंकल मेरे को बताया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम। तो चलो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले मैं प्रॉब्लम इसका क्या है दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो मेरे दोस्तों इसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जब चाबी ऑन कर रहा हो तब इसका I3S मोड और इंजन का लाइट दोनों ही ब्लिंक करने लग जाता है, और जब भी ब्रेक दबाएंगे सेफ मारने का कोशिश करेंगे तब इसका डिस्प्ले का लाइन आउट हो जा रहा है और सेल्फ से भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। दोस्तों इसका यही प्रॉब्लम है। कुछ कुछ जगह से बोला है इसका बैटरी ख़राब है, RR यूनिट ख़राब है। तो दोस्तों चलो इसका प्रॉब्लम आज आप सॉल्व करते हैं। चलो मैं सबसे पहले गाड़ी को खोल लेता है, उसके बाद एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है वो हम देखते हैं। तो मेरे दोस्तों गाड़ी को हम खोल लिया है। तो अभी ये जो लाल कलर का जो जैक देखता है, इसको शोरूम में भी अंकल बोल रहा है कि इसको चेक किया है VCI से। तो दोस्तों हम पूरा लाइन बारीकी से चेक करेंगे और पता करते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू वॉचिंग करते रहे। सब बोल रहा है बैटरी और RR यूनिट का प्रॉब्लम है, तो बैटरी RR यूनिट का कोई प्रॉब्लम नहीं मिला मेरे को। तो दोस्तों इसका और एक प्रॉब्लम देखने को आया है कि जब मैं चाबी के लाइन ऑन करता हूँ तब इसका जो फ्यूल सेंसर जो है इसमें भी चिक 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 करके आवाज़ आता है। दोस्तों इसका प्रॉब्लम मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं से भी इसका अर्थ मिसिंग हो रहा है। तो हम देखेंगे किधर अर्थ लगा है। तो इधर सेल्फ में हमारा अर्थ लगा है, तो सेल्फ को भी हम चेक कर लेंगे। तो चलो दोस्तों इसको फटाफट खोल लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो कि हम सेल्फ को खोल लिया है। तो दोस्तों मैंने सही पकड़ा था कि इसका सेल्फ का जो ऊपर जो हरा कलर का जो वायर दिख रहा है वो अर्थ मिसिंग कर रहा था। तो दोस्तों मेरे ख्याल से मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम ठीक हो गया। तो चलो दोस्तों सेल्फ तो खोल लिया, तो इसको थोड़ा साफ भी कर देंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत डस्ट है। तो डस्ट को भी हम पूरा वॉश करके इसको पूरा क्लीन करके फिर इसको फिटिंग करेंगे। तो चलो दोस्तों आप लोग वीडियो को देखते रहे। दोस्तों सेल्फ खोलने के लिए हमको 3 नाट खोलना पड़ेगा सेल्फ के ऊपर का। 3 नाट का 8 mm का बोल्ट है, तो इसको हम लोग सबसे पहले खोल लेंगे। और दोस्तों अगर आप लोगों को सेल्फ प्रिपेयर करना, सेल्फ का कार्बन सेल्फ फिटिंग पूरा वीडियो आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं सेल्फ प्रिपेयरिंग का वीडियो भी लेके आएंगे आप लोगों के सामने। दोस्तों चलो हम इसको सबसे पहले खोल लेता है, पूरा एयर से क्लीन करेंगे अभी। तो दोस्तों सेल्फ का काम हमारा ख़त्म हो गया है। तो अभी हम इसको गाड़ी में फिटिंग करेंगे और फिटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो इसलिए दोस्तों फिटिंग करने का वो नहीं दिखाया आपको। तो सेल्फ हमारा गाड़ी में फिटिंग कर लिया है, तो अभी इसको फ्यूल इंजेक्टर को हम गाड़ी में इसको भी फिटिंग करेंगे। तो आप लोग वीडियो कंटिन्यू वॉचिंग करते रहे।
जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो कि हमारा आईपीएस मोड का ब्लिंक होना बंद हो गया। दोस्तों हमारा सेल्फ भी सही काम कर रहा है। तो अभी हम इसको और एक बार बंद कर लेंगे और एक बार बंद करने के बाद फिर चेक करेंगे। तो दोस्तों मेरे को तो अभी सब कुछ ठीक ठाक ही दिख रहा है। तो पहले क्या होता था, जब ब्रेक दबाते हैं तब बंद हो जाता है, डिस्प्ले आउट हो जाता है लाइन। तो अभी प्रॉपर ठीक है, सेल, फॉरेन, इंडिकेटर सब कुछ प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों अभी हमारा सही हो गया। तो अभी हम इसको पूरा फिटिंग करके आप लोगों को दिखाता हूँ। और इसका जो कस्टमर है वो भी बहुत खुश है, क्योंकि बहुत दिन से वो भी परेशान थे कि उसका गाड़ी में क्या दिक्कत आ गया, वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है सेल्फ से और कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों गाड़ी हमने फिटिंग कर लिया, तो अभी कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, लाइक के साथ साथ शेयर भी कर देना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉचिंग करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।